नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम एग्रो फार्म और मैं प्रेमाराम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी हम मौजूद हैं श्री रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर, जहां आज पशुओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न कैटेगरियों के अंदर पशु अपना प्रदर्शन करेंगे। यानी पहले नंबर पर खिरी कैटेगरी अदंत, जिसमें बछड़ों की दो बैलों की जोड़ी का प्रदर्शन होगा। दोनों बैलों की जोड़ी के आधार पर विनर घोषित होगा। तो देखते हैं कौन सी जोड़ी पहले नंबर पर विन रहती है और कौन सी दूसरे नंबर पर, और कौन सी जोड़ी तीसरी पोजीशन हासिल कर पाती है। साथ में एक दो जोड़ी को पारितोषिक के रूप में पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं सीधे मेले के नहीं काटा साहब थारे सामो कर बच भी नहीं काटा गालियां गुड़िया आए ना जर काटने पड़े नहीं मार वो देखने वाली बात अलग है। थे गालियां काटो जरा सो देखो तो मैंने काटने पड़ी नहीं काटो जरा मैं नहीं जरा मैंने करना पड़ी। हाँ जी, इधर आए हुए हैं रिंग में प्रतियोगिता देखने के लिए जो आए हुए हैं उनसे मिला था। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। प्रदर्शनी देखने आए क्या? प्रदर्शनी देखने आए नोखा मंडी से, यहाँ तक गाड़ी देकर। नोखा मंडी से अपनी गाड़ी? बहुत अच्छे बैल है। अच्छा। देख कर जी सोरा होता है। सर नाम क्या आपका? रमेश सोनी। रमेश जी सोनी, धन्यवाद है साहब, आप इतनी दूर हमारे नागौर में प्रतियोगिता देखने आए, और आना भी चाहिए। अरे बहुत अच्छा लगता है, अगर ऐसी जोड़ी घर पे हो तो देखे ना तो पूरा दिन अच्छा निकलता है, पूरा साल अच्छा निकलता है। चलो आप अपने नंबर बताओ, जोड़ी भी बताएंगे। 52 58 11 18। हमारे भी घर पे नंदी है, हम नागौरी नस्ल संवर्धन पे काम करते हैं। अच्छा, नागौरी नस्ल पे संवर्धन का काम, तो हम इधर से 60 बछड़ा खरीदेंगे। मेरे नजरिए से ये बछड़े विन रहेंगे, लेकिन अभी निर्णय आना बाकी है अधिकारियों का, वही सर्वमान्य होगा। लेकिन ये बछड़े जो है ना, ये इनकी ललक अलग ही नज़र आ रही है सब, अपनी झलक सबसे अलग। ये खरनाल के श्री वीर तेजा जी जन्मभूमि के बछड़े हैं, और अगर ये विन हो गए ना तो ताऊ जी से आपका इंट्रोडक्शन जरूर करवाएंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। अब मुझे लगता है अपन ही फर्स्ट रहने वाले हैं। मेरा आइडिया है ना, बछड़े देख के ये लगता है कि अपने बछड़े जो खीरी कैटेगरी के अंदर विनर रहेंगे। देखो आगे अधिकारियों का क्या निर्णय होता है वो तो आने पर पता लगेगा, बाकी ये बछड़े वो टॉप क्लास के साथ। ये जो खड़नाल से ताऊ जी बछड़े लेके आए थे खीरी कैटेगरी के अंदर प्रतियोगिता में लड़वाने के लिए, मेरी नज़र में बछड़े चार ही प्रतिभागी थे जिनमें सर्वश्रेष्ठ जोड़ी इनकी दिख रही है। अभी अधिकारियों का निर्णय आएगा तब आपको ताऊ जी से मिलवाएंगे, और ये भाई साहब ताऊ जी के साथ में है, बाद में सबका इंट्रोडक्शन करवाएंगे निर्णय आने के बाद में। इन बछड़ों को देखने के लिए अधिकारी दोबारा, मैंने तो बताया है आपको, लेकिन अधिकारियों का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अधिकारियों को पुनः इन बछड़ों का आकलन करना पड़ रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। वो टॉप के बछड़े हैं, और अधिकारी महोदय वापस इनकी तरफ आए कि एक बार फिर से इनका आकलन किया जाए, यानी बछड़े अधिकारियों को अपनी तरफ खींच के लाए। जब आएगा निर्णय नागौरी नस्ल के जो खीरी कैटेगरी के बैल हैं उनकी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, यानी अदंत बच्चे होंगे, चार ही प्रतिभागी आए हैं। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, ऐसा ही होना चाहिए आपका। अभी अदंत बछड़ों की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, चार बछड़े आए हैं, आगे कौन विनर होगा वो डायरेक्ट। प्रतिभागी थे जिनमें से ये थोड़े छोटे थे, वैसे अदंत यानी खीरी कैटेगरी में छोटे बछड़े भी भाग ले सकते हैं। हाँ, ये छोटे बच्चे थे, बाकी जोड़ी ये भी बहुत सुंदर थी। आवाज़ तो क्या बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही है, लेकिन आपको आंकलन बारीकी से दिखाएंगे। नाम टोकन नंबर चार,
श्री लालपुरी पुत्र श्री भंवरपुरी जाति गोस्वामी निवासी फरडो तहसील जायल जिला नागौर छोटा पानिया लालपुरी जी के लिए टोकन नंबर चार। टोकन नंबर चार में जो इन्होंने पारितोषिक तहत तीसरे सभी पशुपालकों को मैं बहुत बहुत तीसरे नंबर पशुपालन विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे पशु आपने पाल रखे हैं, पर जैसे मैंने अनुरोध किया आप नस्ल का ध्यान रखें, नागौरी नस्ल को संरक्षण करें, नागौरी नस्ल को इम्प्रूव करें। और इस प्रतियोगिता का द्वितीय इनाम सेकंड इनाम है टोकन नंबर तीन श्री राकेश पुरी श्री लालपुरी जाति गोस्वामी निवासी फरडो तहसील जायल जिला नागौर। आगे भविष्य इस जोड़ी का बहुत अच्छा है, अभी उम्र में कम है पर बहुत अच्छा भविष्य है, इस जोड़ी को थोड़ा अच्छे पाले राकेश जी। राकेश पुरी गोस्वामी तीसरे नंबर का टोकन इन्होंने जीता है। बहुत अच्छी नागौर नस्ल की जोड़ियां आज देखने को मिली, सम्मानित किया जा रहा है। सभी पशुपालक भाई साधुवाद के पात्र हैं। नेक्स्ट इस अदंत बैल जोड़ी नागौर नस्ल का सिरमौर प्रथम टोकन नंबर दो श्री अर्जुन राम धोड़िया पुत्र श्री रतन राम धोड़िया निवासी खरना तहसील मुंडवा जिला नागौर। आराम से एक बार जोरदार ताली अर्जुन राम जी के लिए। पहले नंबर का जो खिताब हासिल किया वीर तेजा जी की धरती खरनाल जोड़ी है जो हमने पहले बताई थी आपको कि विनर रहेगी। ये प्रतियोगिता का फर्स्ट खिताब जीत चुकी है। प्रतियोगिता की सिरमौर जोड़ी नागौर के खरनाल से आए हुए ताऊ जी ने ये पहला जो पुरस्कार है वो हासिल किया। अधिकारी इसको फित्ता लगाकर सम्मानित करते हुए बांध के जाएंगे भाई। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी प्रकार का निर्णय में फेरबदल नहीं किया जाता है, जो भी योग्य होगा अच्छी नस्ल होगी उसको इस हिसाब से नाम दिया जाएगा। तो दोनों के बंद गोभी के साथ में के बंद गोता फर्स्ट प्राइज जीतने वाली जोड़ी खरनाल के ताऊजी की जो हमारा आइडिया था वो सटीक बेट था। वह जोड़ी ने प्रथम पुरस्कार आदंत खीरी कैटेगरी में प्राप्त किया और विनर रही। नमस्कार, इधर देख लेते हैं पूरे रिंग में पकड़े हुए रखे, अब जीत गए कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अरे इंट्रू ताऊ जी का चल रहा है पर सहयोग आपका भी साथ में था। बछड़े वैसे हमने पहले चर्चा की थी कि अपने बछड़े फर्स्ट आएंगे तो अपना जो निर्णय था वो सटीक बैठ गया ना। बहुत अच्छा हुआ कि ताऊ जी के बछड़े जो फर्स्ट आए नागौर में खीरी कैटेगरी अदंत बछड़ों के जो प्रतियोगिता थी उसमें ये खरनाल के बछड़े प्रथम पुरस्कार जीत चुके हैं।